आपके व्याख्यान से हम सब अत्यंत लाभान्वित हुए, हमारे श्रोताबिंद भी बहुत ही लाभान्वित हुए। आप जैसे विद्वान को सुनना अपने आप में हम सभी के लिए सौभाग्य है। यत् किंचित जो भी संक्षेप में सारगर्भित हमें मिल जाता है वही हमारी धन्यता है, उसी से हम कृतार्थ हो उठते हैं। आज का यह सत्र वास्तव में बहुत लाभप्रद रहा। एक फारसी का बड़ा ही सुंदर कौल है जो आपके लिए क्या खूब बन पड़ा है। खुदाए जहां रा हजारा सिपास कि गौहर सुपुर्दे बेगौहर शनास। कि सर्वशक्तिमान परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ज्ञान उस व्यक्ति को दिया, ज्ञान रूपी मोती उस व्यक्ति को दिया जो उसके मूल्य को समझता था। हम आपसे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। इसी क्रम में आज के हमारे जो व्याख्यान सहयोगी हैं, व्याख्यान सहायक हैं, डॉक्टर शेख अब्दुल गनी साहब, हम उनका आह्वान करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। आप स्वयं में बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, भोंगीर जो बड़ी प्रसिद्ध जगह है तेलंगाना हैदराबाद में, वहां के आप निवासी हैं और आपने उर्दू संस्कृत साहित्य का इतिहास उर्दू में लिखा है। इसके अतिरिक्त जो है भास की रचनाओं का आपने उर्दू अनुवाद किए हैं और उर्दू संस्कृत ग्रंथों के उर्दू अनुवाद में आप निरंतर लगे रहते हैं। अभी अभी आपके पुस्तक संस्कृत साहित्य को मुसलमानों का अवदान विषय पर कविकुल गुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक से प्रकाशित होकर पुस्तक आई है। तो हम डॉक्टर शेख अब्दुल गनी साहब से आह्वान करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो सारगर्भित शब्दों में कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। उस्ताद मोहतरम के बयान के बाद अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं। कई चीजें जो संस्कृत से फारसी में आई हैं, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित ढंग से हमें बताया। पहली बार सुनने को मिला मुझे भी, क्योंकि मुझे फारसी नहीं आती। अब क्योंकि व्याख्याता सह व्याख्याता के रूप में रखा गया है, तो मैं दो चार शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि ये जो साहित्य है, समाज के हित के लिए, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, जैसा पंचतंत्र के संदर्भ में उन्होंने बताया, तो उसी तरह की रचना शुक सप्तती भी है। ये जो है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। तो ये नक्शाबी के फारसी अनुवाद को आधार बनाकर हमारा कुतुबशाही दौर के एक शायर गवासी ने पद्य में जो है तूती नामा लिखा है, उसकी प्रति हमारे मित्र प्रताप कुमार जी के पास भी मौजूद है। और एक बात, मुल्ला सैयद मोहम्मद खादरी के फारसी अनुवाद के आधार पर उर्दू में हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में के अनुवादों की श्रृंखला में 1801 में तोता कहानी का अनुवाद किया। ये जो है आधुनिक भाषाओं को पढ़ने वालों के लिए लाभदायक है, लेकिन ये सारा साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने बताया, एक समंदर है, तो जो संस्कृत और फारसी जानने वालों के लिए बहुत बड़ा काम का मैदान है, लेकिन संसाधन और ये सारी चीजें उपलब्ध करवाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब रही बात अकबरी दरबार में, और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ नल दमन, नल दमयंती की कथा महाभारत का आख्यान है, उसका फैजी ने अनुवाद किया था। और वो जो है स्वयं फैजी के पास 101 पांडुलिपिया थी, और आज कई ग्रंथालयों में जो है उसकी पांडुलिपिया मौजूद है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भी जो आख्यान के माध्यम से भी जो है एक मानव मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। और उस समय मध्यकाल में जो है सूफी संतों ने योग शास्त्र पर बहुत ध्यान दिया। योग शास्त्र में योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन को यानी निरोध करने के लिए, जिसको इस्लामिक फिलासफी मुराकिबा कहा जाता है। हम जो है कंसंट्रेशन से जो है जो वो करते हैं, जिक्र करते हैं, उसके लिए एक किताब का नाम मिलता है अमृत कुंड। उसके लेखक का नाम का पता नहीं है, लेकिन ख्वाजा रुकनुद्दीन समरकंदी ने, ये मुगल पीरियड से पहले इन्होंने इसको फारसी में हाउजुल हयात के नाम से, फिर अरबी में भी उन्होंने ही मीरातुल मानी फी इदरा के आलम इंसानी इसको अनुवाद किया। बहरुल हयात के नाम से मोहम्मद
गौस ग्वालरी ने भी जो है इसको इसका जो है हुमायूं और अकबर के समय के ये सूफी थे, इन्होंने भी फारसी में अनुवाद किया। लेकिन ये सारी चीजें आज संस्कृत और फारसी अध्येताओं के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उपलब्ध कराना भी जो है ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी चीज, आलमगीर के दौर में ये संगीत छात्र राजा मानसिंह के माना कुतूहल का अमीर फकीरुल्ला सैफुद्दीन ने राग दर्पण के नाम से, रिसालाए राग दर्पण के नाम से जो है अनुवाद किया। तो इसकी प्रति मेरे पास है, मुझे तो फारसी नहीं आती लेकिन मेरे शोध कार्य में जोड़ने के लिए मैं इसको खरीदा था। उसी तरह एक काव्य शास्त्र पर औरंगजेब आलमगीर के जमाने में फखरुद्दीन मोहम्मद ने, मिर्जा फखरुद्दीन मोहम्मद ने तोहफतुल हिंद के नाम से एक किताब लिखी जिसमें अलंकार, संगीत, कोकशास्त्र, सामुद्रिक आदि विषयों का उसमें जो है वर्णन है। हमको केवल वर्णन मिल रहा है, मूल प्रतियां पता नहीं आने वाली नस्लों को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और एक चीज, अकबर मुगल काल के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको हम भूल नहीं सकते, अब्दुल रहीम खान खाना है, उनके बारे में विस्तृत विस्तृत रूप से तो नहीं बताऊंगा। डॉक्टर गनी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही? जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, तो रहीम के बारे में हम तो अनुवादों के बारे में सुन रहे थे लेकिन रहीम को भाषा पर कितना अधिकार था, यानी फारसी और संस्कृत। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उन्होंने फारसी शब्दों को संस्कृत शैली में लिखा है, संस्कृत प्रत्यय लगाकर। जैसे यदा महताबो भवेन माल खाने, मिरीखो अथवा मुश्तरी बख्श खाने, मुश्तरी बख्त खाने, उतारित विलगने, नरो बख्त पूर्णो भवे दीनदारो अथवा बादशाह। इस तरह के प्रयोगों से उन्होंने एक भाषा का जो संवर्धन किया वो अनिर्वचनीय है। मध्यकालीन रचनाओं में उन्होंने स्वयं संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में खेट कौतुकम और त्रयस्तिम शद योगावली लिखा उन्होंने, और भी हिंदी में। पहले हम उनको केवल हिंदी कवि मानते थे लेकिन वो संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। और उसके साथ साथ हमारे आसफ जाही वंश के महबूब अली खां के दरबार में एक राजा गिरधारी प्रसाद बाकी रहते थे, जिन जो फारसी, संस्कृत, उर्दू के महान विद्वान थे। उनकी एक पांडुलिपि अवधि में थी उर्दू स्क्रिप्ट में, उसका मैंने शिवपुराण का संपादन किया है। उन्होंने फारसी में भागवत शरीफ लिखी, वो सालारजंग म्यूजियम में सुरक्षित है, वो मुझे मिली नहीं। तो इस तरह बहुत सारा काम है, ये सिलसिला और भी बहुत समंदर है इल्म का। तो उसी तरह संस्कृत से फारसी में भी बहुत सारा काम हुआ। और हमारे यहाँ पर विजयनगर में आदिभट्ट नारायण दास, इन्होंने 1932 में उमर खयाम की रुबाइयात का जो है संस्कृत में अनुवाद किया। उसी तरह संस्कृत अकादमी उस्मानिया विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रह चुके प्रोफेसर पुल्लेला श्री रामचंद्र जी ने फारसी लोकोक्तियों का संस्कृत में किया, लेकिन उन्होंने फारसी से नहीं अंग्रेजी के आधार पर किया। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं, और उसका मूल फारसी मैं ढूंढ लिया। अज यक यक पैसा रुपया मी शवद, अज यक यक खतरा दरिया मी शवद, एक एक पैसा रूपेणा संग्रहणीय धनम बहु, एक एक सो ही बिंदु नाम संचये सागरो भवे। इस तरह ये परंपरा जो है बहुत ही समृद्ध है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए शायद प्रत्नकीर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। हम आशा करते हैं आगे इस तरह के कार्यक्रम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मुझे जो मौका दिया गया मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर गनी साहब, आपने बहुत ही संक्षिप्त और जो है क्रम में लोगों के मध्य
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हरबंस मुखिया जी भी उपस्थित हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा आग्रह है कि सारगर्भित शब्दों में अपने अमूल्य वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर हरबंस मुखिया सर। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर माइक अनम्यूट कर लें। ओके, हाँ, अब हो गया। मैं तो यहाँ सुनने के लिए आया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वक्तव्य, दोनों बल्कि डेढ़ वक्तव्य कहूंगा मैं। बहुत ही विस्तार से सूचनाएं हमें मिली, इतलाहात मिले, बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं लगभग वाकिफ था इस बात से कि बहुत तर्जुमे हुए हैं, सिर्फ अकबर के जमाने में नहीं लेकिन उसके पहले भी हुए हैं। लेकिन अकबर के जमाने में खास तौर पर जिसका जिक्र किया प्रोफेसर अब्बास ने किया, उसकी अकबर के, बल्कि मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्रा ने जो अभी अभी कुछ अभी अब तो नहीं 7-8 साल पहले प्रकाशित किए हैं 3 वॉल्यूम्स में, शायद मुगल सम्राट अकबर और संस्कृत, शायद इस नाम से 3 वॉल्यूम में लगभग 1000 पेजेस में उन्होंने जो अकबर ने जो पेट्रोनाइज किया संस्कृत को, और शायद 60 या 62 संस्कृत स्कॉलर्स को उन्होंने अपने दारुल तर्जमा में रखा उन्होंने, तो बहुत जबरदस्त पेट्रोनेज थी उनकी। लेकिन ये पेट्रोनेज या ये शाहजहां के जमाने तक चली, जो कि जिस पर भी काफी तसनीफ हो चुके हैं। अभी तो हाल में तो ऑड्रे तुरुस्के ने ये किताब, बहुत अच्छी किताब में इसका जिक्र किया है। लेकिन इसका एक एक बहुत दिलचस्प मकसद ये था कि ये जैसे डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये एक जिस समाज को, जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस पर वो शासन कर रहे हैं, उसको उस पर वो समझने की जरूरत, समझने की उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसकी इतिहास को, उसकी माइथोलॉजी को, सबको समझने की कोशिश है। ये सिर्फ ऊपर बैठ करके शासन करके वो तसल्ली नहीं करते, बल्कि वो उसको समझने की कोशिश, तो ये एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस है उनका, मुगलों का एक आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस इसको कह सकते हैं। उनका एक आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस है कि हमने कब्जा कर लिया, उसके बाद हमें क्या परवाह है, हम तो ऊपर बैठ करके शासन करते रहेंगे। ये उससे बईद, उससे आगे जा करके एक आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस है, और यह आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस ऐसा है जिसमें के सबको शामिल किया जा सके, जिसको कि अंग्रेजी में कहें इंक्लूसिव आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस है। ये एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस नहीं है कि हम तो यहाँ पर कब्जा कर चुके हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें क्या जरूरत है, हम तो बादशाह हैं, हम तो शासन करते रहेंगे। ये इंक्लूसिव गवर्नेंस है, और ये खासतौर पर इसको मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इस इंक्लूसिव गवर्नेंस को, जो कि मुगल शासन का एक तरह से विरासत है, हमें इस इंक्लूसिव गवर्नेंस की के कॉन्सेप्ट की विरासत है, उस विरासत को अब हम उससे न सिर्फ अलग जा रहे हैं, बस के उसको उलट उलटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उसके बरक्स हम उसके विपरीत हम जाने की कोशिश कर रहे हैं आज के जमाने में 21वीं सदी में। तो ये एक याद करने की जरूरत है कि एक एक जो हुकूमत थी मुगलों की, उसकी क्या विरासत थी, उसकी क्या कद्र है, उसके क्या मूल्य हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों ने, दोनों ने मिल करके बहुत ही अच्छा इत्तलात दिए हम लोगों को। मैं चलते चलते एक दरखास्त प्रोफेसर अब्बास से करता चलूं।
मैंने भी फारसी सीखी थी, आप जैसी तो नहीं लेकिन गनीमत फारसी सीखी थी अपना काम कर चलाने के लिए, और यूनुस जाफरी साहब से फारसी सीखी थी दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे एक बार चलते चलते, मैं दारा शिको का जिक्र कर रहा था, तो ऐसे चलते चलते उन्होंने कहा कि भाई यारा ये दारा शिको नहीं है, ये दारा शुको है। जी, और उन्होंने इसके मानी बताए कि शिको के माने होते हैं टेरर और शुको के माने होते हैं ग्लोरी। तो आप ये सोच लीजिए कि दारा शिको टेररिस्ट थे या ग्लोरियस थे, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने डिक्शनरी में, मैंने डिक्शनरी में चेक किया तो सही है। जी सर, वो आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो हम लोग उसको नजर में रखते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ वो शिको ही मशहूर है। हाँ, वो ऐसे ही चलता है। लेकिन जो तारीख की किताबें आ रही हैं, अच्छे मॉरिशियस की किताबें आ रही हैं, उनमें हमेशा शिको ही लिखा जाता है, शिको। जी जी जी, जी सर। पर आज ये ऐसे ही चलते चलते ये, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही लज्जत थी और नॉलेज भी मिली इससे, इतलाहत भी मिले और दर्द भी मिली इसको सुन करके, बहुत मजा आया इसको, बहुत अच्छा लगा कानों को। आप दोनों हजरत प्रोफेसर अब्बास और प्रोफेसर गनी दोनों को सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका, आपके संस्थान जिसने ये जिसका जिसने ये आयोजित किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसकी इतला प्रताप कुमार मिश्रा जी ने दी थी, प्रताप कुमार मिश्रा जी का खास तौर पे धन्यवाद और आपका सब सब अनेक। सर डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया, जो 3 वॉल्यूम का आपने जिक्र किया जी, वो मैंने भी याददाश्त रखी थी कि मैं अपनी गुफ्तगू के दौरान न सिर्फ ये कि वो तीन जिल्दों का जिक्र करूंगा, और भी जो इस इंसान ने इस हवाले से काम किया है वो काबिल जिक्र है, लेकिन वो कागज इधर उधर हो गया। हो जाता है। वो तो हम सबके साथ होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, श्रोताओं से पूछने अगर किसी को कोई एकाध प्रश्न हो, ज्यादा समय तो नहीं है, तवील वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत आभार सर, भारतीय इतिहास किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपका आना हमारे लिए बहुत सुखद रहा। मैं श्रोता बंधुओं से आग्रह करूंगा, प्रश्न प्रहर के अंतर्गत यदि कोई जिज्ञासा हो तब कर सकते हैं, स्वागत है आपकी जिज्ञासाओं का। जिन्हें कुछ पूछना हो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना नाम बताकर कुछ पूछ लें, बस मुख्तसर में, संक्षेप में। ऐसा मालूम होता है कि किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। राजेश जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। नहीं, गणी जी से एक निवेदन था। जी जी जी, अब्दुल गनी साहब से एक निवेदन था कि जिन पुरानी बता दें सर, एक बार अपना नाम। लाला शंकर गयावाल है, भरतपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से, कि अब्बास साहब भी जिन पुरानी पुस्तकों का जिक्र कर रहे थे, क्या आज भी वो उपलब्ध है पुस्तकालयों में अध्ययन अध्यापन के लिए? जी उपलब्ध है, जी जी उपलब्ध है। हेलो जी, उन पुस्तकों के लिए, पुस्तकों को देखने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है जहाँ से वो मिल सकते हैं? देखिए, पुरानी ये सब आपको पांडुलिपियों की सूरत में मिलेंगी, और जस्ता जस्ता आपको, यानी कुछ कुछ आपको प्रिंटेड भी मिलेंगी। जैसे आपके जयपुर में, राजस्थान में दो एक पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने फारसी की मेन किताबों को देवनागरी में लिपियांतर कराया है, समझा? और जी, जी। जो जिन किताबों का जो हम लोगों ने जिक्र किया, इसमें आपको पांडुलिपियां मिलेंगी, और ये तो आपको हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, और आप टोंक में मिलेगी, राजस्थान के हैं आप तो आपको टोंक में मिलेगी। जी टोंक में मिलेगी। जी जी जी, ठीक है, टोंक में जो लाइब्रेरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, राजेश जी, कोई आनंद कुमार मौर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाया।
जी आनंद कुमार मौर्य जी, आप अपना प्रश्न या जिज्ञासा रखें। सर वो दारा सिको और जो दो नाम का जो सर अंतर होता है एक बार रिपीट करा दीजिएगा। अच्छा अच्छा जी, बात सर से बोले। मैं बोल दूं ये बात सर जी, सर दारा सिको और दारा शुको का डिफरेंस वो तो सर ने बता ही दिया था, फिर भी शुको एस एच यू शुको आपको असल लफ्ज जो है इसके मतलब वही शानो शौकत के माने में है, अजमत के माने में है, बड़प्पन के माने में है, हैं? और शिको के माने जैसा कि उन्होंने बताया कि वो नामुनासिब है, हम लोग क्योंकि जबान पर यही चढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब लिखते हैं तो एस एच यू के ओ एच शुको, और वो उसके माने अच्छा नहीं है। उसके माने में बताया उन्होंने कि फर्क है यही कि वो बुरा माना है उसका, टेरर के माने में आता है इस तरह से, सर ने खुद ही बताया अभी। उसके माने टेरर है अंग्रेजी में। जी जी सर, जी सर, जी सर, वही मैं जी एक मरतबा सर ठीक है सर, थैंक यू सर जी। राजेश जी आगे चले, धन्यवाद। हाँ, और कोई जिज्ञासा हम लोगों के मध्य से? हाँ, इस दिशा में एक निवेदन था कि अकबर के जमाने में जो संस्कृत पे कार्य हुआ है उस पर प्रताप कुमार मिश्र की जो किताब है वो भी बहुत पठनीय है, और मुझे सदन पे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि वो जो 3 वॉल्यूम की किताब है उसे अवश्य पढ़ें, और उसमें प्रताप जी की जो साधना है, जो मेहनत है, और उन्होंने जो खोज किया है वो काबिले तारीफ है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। जी ठीक, धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर राजेश साहब एक छोटा सा जी, हाँ अगर इजाजत हो तो जी, ये डॉक्टर कमर शाबान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। जी फरमाए डॉक्टर साहब। जी जी जी, पहली बात तो यह है कि बहुत ही मुबारकबाद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, खास करके हसन अब्बास साहब का जो लेक्चर रहा बहुत ही मुहक्किकाना और मुदल्लाना था और बहुत फायदा हुआ। सर से एक छोटा सा मतलब इस्तफसार है हसन अब्बास साहब से। सर ने फरमाया कि कलीला व दिमना जो है वो क्या नाम है पंचतंत्र की ही शक्ल की एक चीज का तर्जमा है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा कलीला दिमना, चूंकि अरबिक लिटरेचर का एक मास्टर पीस माना जाता है, तो अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा चूंकि संस्कृत से पहलवी जबान में उसका तर्जमा हुआ था पंचतंत्र का, तो पहलवी जबान से अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा ने अब्बासी पीरियड में जो बैतुल हिकमत के की निगरानी में जो तर्जमे हो रहे थे, जो ट्रांसलेशन हो रहे थे, उसी मौके पर उन्होंने उसका तर्जमा किया था और उसका नाम कलीला व दिमना रखा। और उसके बाद जो पहलवी तर्जमा है जो क्लासिकल पर्शियन में जो संस्कृत से तर्जमा हुआ था, फिर वो मतलब एक तरह से उसकी इशात नहीं हो पाई या क्या हुआ, फिर बाद में कलीला व दिमना से अरबी से पूरी दुनिया में दूसरी जबानों में जो उसके तर्जमे हुए, इसकी तफसीलात कलीला दिमना के का जो प्रीफेस है उसमें भी बहुत तफसील से लिखा हुआ है। तो सर जो फरमा रहे थे कि पंचतंत्र की शक्ल ही का एक तर्जमा है, तो पता नहीं मतलब क्या है, अगर इस सिलसिले में सर कुछ इरशाद फरमा दें। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू भी काफी, आपने जो कहा है वही वही मैं मेरे कहने का मकसद था, क्योंकि कलीला जबान पर चढ़ा हुआ लफ्ज है और फारसी में जो तर्जुमा छपा हुआ है वो इसी नाम से है, यानी और ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि पहलवी से मुकफ्फा ने जो है वो तर्जुमा किया था अरबी में, और अरबी से फिर फारसी में हुआ, और एक मंजूम तर्जुमा रुदकी समरकंदी ने सबसे पहले किया, उसके बाद मुल्ला वायस काशिफी ने नाम से किया। तो फारसी में भी पहले तो ये इसी नाम से कलीला, ये नाम अडॉप्ट कर लिया उन लोगों ने, और इसी नाम से छपी हुई किताब भी नाम मिलती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी सर, बहुत जी राजेश जी आभार सर। आप डॉक्टर कमर शाबान जी थे जो अरबी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज का व्याख्यान बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही उत्कृष्ट और गवेषणापूर्ण रहा। हमारे सभी प्रतिभागी श्रोतावृंद अत्यंत लाभान्वित हुए, क्योंकि हमें एक साथ दो दो या यूं कहें तीन तीन विद्वान, आप एक फारसी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास जी, संस्कृत एवं उर्दू के अंतः संबंधों पर कार्य करने वाले डॉक्टर शेख अब्दुल गनी जी एवं मध्यकालीन इतिहास के आचार्य डॉक्टर प्रोफेसर हरबंस मुखिया जी को हमें सुनने का अवसर मिला। एतदर्थ हम बहुत ही उपकृत हैं। हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, अथवा यूं कहें कि आभार प्रकट करना भी शब्दातीत है। इसी क्रम में हम लोगों के मध्य देश भर से अनेक श्रोतावृंद जुड़े हुए हैं, आचार्य वृंद जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर संतोष शुक्ल जी, पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध साहित्यकार एवं अनुवादक प्रोफेसर याकूब यावर साहब जैसे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं। तो इस क्रम में मैं संस्थान के सचिव, हमारे प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के सचिव डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र से मैं आग्रह करता हूं कि वह विद्वज्जन एवं श्रोताविंद के आभार के लिए आए और अपना आभार प्रकट करें। धन्यवाद। आज के उपस्थित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब और परिचर्चा के सहायक डॉक्टर अब्दुल गनी साहब, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। संस्थान आपके प्रति बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि जिस आनंद खानन में यह कार्यक्रम रखा गया और आप लोगों ने स्वीकृति दी और इसे एक मुकाम तक पहुंचाया, इसे कामिल एक परिचर्चा का विषय दिया, एक रूप दिया, इसके लिए आप दोनों ही मोहतरम जनाबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे क्रम में आज हमारे बीच प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब आ गए, संस्थान गौरवान्वित हुआ। मेरे मुंह में एक शेर आता है, यह शेर प्रायः हमारे अध्यक्ष जी संस्थान के, ये प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में कहा करते थे, आने वाली नस्लें जो है वो नाज करेंगे कि तुमने फिराक को देखा है। मैं उसमें तरमीम कर लेता हूँ, मोहतरम जनाब की रूह मुझे माफ करे, कि आने वाली नस्लें नाज करेंगी कि आज हरबंस मुखिया साहब को हम लोगों ने सुना है। और खास करके प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान तो जरूर नाज करेगा कि आज उसके शोध कार्यों को, उसके इतिहास के जो काम होते हैं उस पर पुश्तैनी नजर रखते हुए इस बुढ़ापे, मैं बुढ़ापे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि हमसे भी युवा है वो, आप लोगों ने देखा है उनको, और जब वो कान पकड़ते हैं, जब वो बात कहते हैं, दर्शकों पर जब कोई चीज समझाते हैं तो लगता है कि किसी प्रोफेसर के सामने हम बैठे हुए हैं। तो इस तरह से संस्थान के शोध कार्य पर, संस्थान के इतिहास पर, दृष्टिकोण पर जिस तरह से उन्होंने सबको एक मार्ग दिखाया, एक राह दिखाया, हमारे बीच वो आए, इससे हम इतना हर्ष और इतने प्रफुल्लित हैं। शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया मुखिया साहब, शुक्रिया। और आप इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करें, इसी तरह करते रहें, ईश्वर आपको सतायु रखे, प्रोफेसर अब्बास साहब को शतायु रखे, और इस तरह की इस पीढ़ी के जितने लोग हैं सबको शतायु रखे, ताकि संस्थान आएंगे जाएंगे, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये संस्थान बनते हैं बिगड़ते हैं, ये तो एक बहाना होता है हम आपके मिलने का। आने वाली नस्लें जो हैं आपको सुनकर, इन चीजों को सुनकर यकीनन बहुत बड़ा काम करेगी, उस भारत का निर्माण करेगी जिसके बारे में कभी कालिदास ने, प्रसादी ने, या फिर अमीर खुसरो ने, या फिर फैजी ने कहा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं संस्थान के शिक्षा एवं प्रसार विभाग के संयुक्त सचिव, परामर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी जेएनयू से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर याकूब यावर साहब आज जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर शशि सिंह सागर यूनिवर्सिटी से, प्रमोद भारती जी मंसूरी से, लाला शंकर जी हमारे परामर्शक, ये संस्थापक के सदस्य हैं। मैं आप लोगों का, खासकर संस्थापक सदस्यों का तो बहुत ज्यादा
क्योंकि ये साधारण सभा है और ये खड़े होके इस पर देखते रहती है कि हमसे क्या गलतियां होती हैं, और इस प्रोग्राम के बाद जिस तरह से हमें फोन पर सुनाया जाता है, कान पकड़ा जाता है हमारा, यकीनन साहब ये बहुत अच्छा है आप लोगों का। सुनील भैया इसमें जुड़े हुए हैं केरल से, राजीव त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं हिमाचल से। आप लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर आते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से कान पकड़े। आप लोग हमारा कान पकड़ते रहेंगे प्रबंध समिति का, हम इससे अच्छा करके आपको दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक निवेदन और करता हूँ कि अब दूसरे जो प्रोग्राम है हमारे 2, 28 तारीख को और 30 तारीख को, वो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रोग्राम है, इनमें भी आप आए। अंत में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी को भी बहुत बहुत आभार। छुपे रहते हैं, देखते रहते हैं, सारी चीजों को वॉच करते हैं, फिर हमें मार्गदर्शित करते हैं। सर आप इसी तरह बने रहें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। शंभु जी, आज का व्याख्यान बहुत ही लाभप्रद रहा, ज्ञानवर्धक रहा, हम सभी के आभारी हैं, विशेषकर अपने श्रोताविंद के आभारी हैं। संस्थान का तो क्या आभार प्रकट किया जाए, उस संस्थान का मैं स्वयं ही सदस्य हूँ, लेकिन हम अपने श्रोताविंद विशेषकर छात्रविंद के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो है यहाँ आकर के इस व्याख्यान को सुना और लाभ प्राप्त किया। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। संस्थान अपनी अकादमिक गतिविधियों की ओर इसी प्रकार सक्रिय रहेगा। शंभु जी भैया, हेलो नीतीश जी। भारतीय एकता साधकम् संस्कृतम्, भारतीयत्व संपादकम् संस्कृतम्, भारतीय एकता साधकम् संस्कृतम्, भारतीयत्व संपादकम् संस्कृतम्, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम् संस्कृतम्, सर्वदानंद संदोहदम् संस्कृतम्, भारतीय एकता साधकम् संस्कृतम्, भारतीयत्व संपादकम् संस्कृतम्, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी, अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम, विजयताम। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमो नमः। वेरी नाइस, वेरी नाइस। समाप्त करो।